हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, विवेक सिंह बात कर रहे हैं स्टूडेंट जंक्शन से। हाँ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, आपसे जानकारी लेना था कि पार्ट फर्स्ट का जो न्यू एडमिशन होगा 21 सेशन का, उसको कब से होगा? अच्छा, देखिए इसमें टाइम लगेगा, अभी फिलहाल 1-2 महीना तो कम से कम लगेगा ही। अगर ऐसा कुछ नोटिस भी आता है तो इस बीच हम आपको जानकारी दे देंगे कि कब आ रहा है कब नहीं। फिलहाल इसमें अभी कोई आने की संभावना नहीं है। और जो नेक्स्ट है आपको, वो पार्ट 1, 2 और 3 का जो स्क्रूटनी रिजल्ट है उसके बारे में। देखिए उस रिजल्ट से स्टूडेंट को कोई फायदा होता नहीं है, समझे। उस रिजल्ट का एक ही आंसर आता है, नो चेंज। तो उस लेकिन रिजल्ट के जो जो भरोसे देखिए, स्टूडेंट अभी कर लिया है वो तो वेट कर रहा है स्क्रूटनी रिजल्ट का। हम इसमें हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये इसका रिजल्ट नो चेंज ही आएगा, ठीक है। स्टूडेंट इसके भरोसे बैठा रहता है, ये हमेशा का है, ये एक सिस्टम बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, समझे। अब स्टूडेंट जाएगा वहां पता करेगा कि भाई यहाँ फॉर्म का डेट निकल जाएगा तो स्टूडेंट करेगा तो करेगा क्या, ये तो कंफ्यूजन में रहता है कि स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा तो वो कहीं पास हो जाए तो हम फॉर्म भर लेंगे, ये सब चीज रहता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वहां से रिजल्ट में कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। बहुत दिन के बाद जब ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है तो वो लोग रिजल्ट जारी कर देता है, नेट पे ही रिजल्ट जारी कर देता है। हो सकता है कि कुछ दिन में जारी कर दे, इस पर भी अच्छा, एक बार बात करना पड़ेगा हाँ, बात कंट्रोलर करते से। तो लेकिन ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूजन में है कि हम स्पुटनिक का फॉर्म फिलअप किए हैं तो फिर कब रिजल्ट आएगा। देखिए स्टूडेंट को हम बस इतना कह देंगे कि अगर उसका कोई पैरवी नहीं है यूनिवर्सिटी में, समझे, अगर किसी यूनिवर्सिटी के दलाल से अगर कोई पैरवी नहीं है, किसी प्रकार का दलाल तो होता है, वो तो पैसा भी ठगता है, काम भी नहीं होता है। हाँ, वो तो अगर है उस ही। तरीका का है तो वो इस चक्कर में नहीं पड़े कि उसका रिजल्ट में कुछ सुधार होने वाला है। अच्छा, हम इस चीज को ऐसे ही नहीं आपको बोल रहे हैं क्योंकि हम आज से नहीं, 4-5 साल से इस चीज को देख रहे हैं। ये हर साल का नौटंकी है एक तरह का। तो अमन जी आपके बारे में मुझे भी पता है और इसीलिए हाँ आपको हम कॉल किए और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और आपको जो नेक्स्ट है वो आपको पार्ट 2 का एग्जाम फॉर्म फिल अपडेट। फॉर्म फिलअप डेट देखिए, अभी तक जहां तक के बिहार सरकार का ऑर्डर आया है 6 अगस्त के बाद ही कोई किसी एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, हाँ समझे। तो हाँ इसमें भी आप समझिए कि अगस्त तो अब पास करेगा ही, तो अगस्त में ही ये हो सकता है कि इसका फॉर्म का डेट आ सकता है या पहले भी जारी कर दे, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगस्त तक जाएगा ये फॉर्म का। अच्छा, पार्ट 1 और 3 के एग्जाम का इसका भी सेम है, सेम सेम। चीज। उसके बाद आपको नेक्स्ट है प्रॉब्लम, जैसे वो कमेंट आ रहा है कि क्या वैक्सीन के बिना एग्जाम नहीं दे सकते हैं? देखिए जहाँ तक ये है, ये सरकार का कुछ भी पॉलिसी लागू हो सकता है। कोरोना के टाइम में आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, कब हर दिन कौन नियम बदल जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो कल को ये चीज जारी, यूनिवर्सिटी सूचना जारी किया है इस चीज का, तो हम लोग भी छात्रों से अच्छा, अपील करेंगे कि कोशिश करें कि वे वैक्सीन ले लें समय से रहते हुए। 6 अगस्त तक तो समय है कि ये एग्जाम नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। हाँ, इस डेट से पहले कम से कम अपना वैक्सीन तैयार कर ले ताकि आगे चल के कुछ दिक्कत ना, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। सो तो है ही, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी क्वेश्चन कर रहे थे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे इसके बारे में। और फिर जो है आपको कन्या उत्थान योजना के बारे में कुछ बता दीजिए कि क्या कैसे पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए कन्या उत्थान 18-19 सेशन वाले का, बहुत ऐसा स्टूडेंट है जिसका पेमेंट रुक गया है उसका, हाँ। और अभी फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज जितना भी है, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो है, उसका पैसा रिलीज हो रहा है। अगर स्टूडेंट का प्रॉब्लम लेवल 2 और लेवल 3 में है तो आप उसका, उस स्टूडेंट का आधार नंबर लेकर आप मेरे व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे पर, ठीक है। तो अच्छा, लेवल 2 और लेवल 3 हम उसका, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के स्टूडेंट है तो, ठीक है। और तो अपना लेवल 2 और लेवल 3 आप ये कर दीजिएगा तो हम यहाँ से यूनिवर्सिटी से उसको क्लियर करवा देंगे, वो लेवल अच्छा टू स्टूडेंट को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज के लिए, ठीक अच्छा और नेक्स्ट जो है। उसके है बाद आपको पीजी के एडमिशन के बारे में, न्यू न्यू सेशन एडमिशन, पीजी का न्यू सेशन एडमिशन। सेशन का भी जो पार्ट 1 के समय में ही जाएगा, समझे। अच्छा, तो फिर इसमें इसके भी और माध्यम से ये भी बोल सकते हैं कि पीजी के एग्जाम में फिर वही अगस्त सितंबर में। पॉसिबिलिटी है कि जा सकता है क्योंकि एग्जाम सब भी लेट होगा, उसका रिजल्ट आएगा, पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा, उसी स्टूडेंट को मौका देगा,
कहने का मतलब तो ये है, मतलब कि पहले प्रिफरेंस तो उसी को ना देगा कि जो ग्रेजुएशन स्टेशन में किया है वही पीजी में एडमिशन ले, उसका एग्जाम होगा, रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद ही ये जाएगा। इस समय तो आप समझिए कि अगस्त सितंबर जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी की आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई। नहीं, आपका भी धन्यवाद है कि स्टूडेंट लोग को हेल्प कर देते हैं, बहुत सारे जानकारी के अभाव में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। हाँ, सोचो हो ही रहा है। हाँ, पेपर चला देते हैं तो अच्छा चीज है कि स्टूडेंट को जागरूक होते हैं, मिल जाता है सब चीज, इसको प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। हम लोग अपने तरफ से जितना संभव हो सके हम लोग करते हैं, बाकी आप लोग से भी वही करेंगे कि जितना हो सके कीजिए। आप अपना मोबाइल नंबर स्टूडेंट को एक बार बोल दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे संपर्क कर सके। मेरा नंबर है 9122139591। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोशिश कीजिए कि मेरे नंबर पे पहले व्हाट्सएप कर दीजिए और मैटर लिख कर भेज दीजिए कि आपका मैटर क्या है, ठीक है जी। इस चीज स्टूडेंट को चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि वो वीडियो जो देख रहे हैं कि इस पर कम से कम ये करें कि आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए और अपना मैटर लिख दीजिए क्या है और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, और जो भी आंसर होगा हम जब फ्री होंगे तो हम उनको रिप्लाई कर देंगे उस चीज का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट जैक्सन को इतना हेल्प करने के लिए।